आर गेटिंग अ सैंपल, हमें ये दे दिया, ये कपड़ा है जी आपका और ये बना के दे ऑर्डर ऑफ लेटर से 1 लाख मीटर मटेरियल टेस्टिंग करोगे इसकी, देन कलर, देन एक रिवर्स ट्विस्ट देखोगे इसमें कितनी है, ठीक है, देन एंड पर एक्सपायरी, देन हाउ मच और 1 लाख मीटर बार एंड बैक पे रिक्वायर्ड, हो गया? वो परचेज करोगे ना आफ्टर दैट Material, color, dress, type of yarn. लग जाएंगे, this is first thing, then you will purchase the warp and thread, इसमें ट्रिंग भी नोट करोगे, 1 लाख मीटर है लेंथ, एक बार की, but actual, it may be 1,05,000 meter, 5,000 meter का आपको कम लगा, ट्रिंग भी दे रहा हूँ, ऊपर नीचे चल रहा है, नीचे में कोई ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, ऐसी वैक्सिंग है, ऐसी बात, so this is the first step, this is second, then you will bring it on room and the design and per inch you will fix and then you will run and prepare the fabric. So we will be calculating first the count and from the count we will be getting trim, count and trim, then trim, they are separate, and twist, etc. Then from this we will be calculating weight of bar requirement, weight of back required. Third thing we will be requiring ends per inch of fixed price. This is A, this is B, and this is for calculation of weight of bar and back. In case of weight of bar, you will have to find out bar count, bar trim, ends per inch. In case of back count, weight, we will have to find back count, back trim, and fix per inch. Shall we start? Kare hum start. Likh liya hai isko niche likh lo. Properly likh lo. For example, for 1 lakh material, we will be first requiring this. For calculation, we will be requiring for calculation of weight of bar of link back, we will be requiring count of the same trim and ends per inch and fix is the base, first is count and then is crisp. Count is the base of textile, everything revolves around count, clear?
यार, यार इस थ्रेड बटर इस रोबिन स्लाइवर रोबिन की मेजरमेंट का मेथड है सेम. सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट? फर्स्ट इज लेंथ. यू कैन मेजर एनीथिंग बाय लेंथ, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, और इंचेस, यार्ड. ठीक है, दैट इज बाय वेट. यू कैन मेजर बाय मिलीग्राम, देन ग्राम, देन किलोग्राम, देन पाउंड. Then another third method is measured by number. क्या measure करते जैसे dozen, ना dozen, dozen क्यों? Century, hundred, number हो गया, ठीक है? तो these are various methods of measurement. These are MKS. This is another method of measurement. कितना होता है? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1 ग्राम में मिलीग्राम कितना? 10. पागल है क्या? क्यों? 100. 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम. यार 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम. 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? सर भूल गए, फिजिक्स तो एक ही सेमेस्टर की. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000. मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. 1 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. और डबल हो जाएगा, इसका आ गया 453.54 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड. और फिर 1 ग्राम में आ गया, अराउंड अबाउट हाफ के जी हो गया, 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg. करीब 2 हो गया ना, 2 से थोड़ा कम. 450 है, 450 है प्लस 50 हो गया 10%. 4.5 प्लस 4 1 मीटर. मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर. मिली मीन 1000, मिली इज 1000. ओके, देन 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. देन इंचेस 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1. And 36 inches is equal to 1 yard. एक मीटर से थोड़ा सा कम होता है, 0.9 meter is equal to 1 yard. You can say 1 meter is equal to 1.1 yard. इसे multiply करोगे तो 39.36 inches. 1 है, 1.1 से यू मल्टीप्लाई, विल बी कमिंग 39.36. 36 और 36 ऐड करो. ठीक है, 39.36 हो गया. ये याद होने चाहिए सारे.
लेंथ में यू कैन मेजर, वेट यू कैन मेजर, ठीक है, नंबर यू कैन मेजर. नाउ व्हाट इज काउंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या, ही मेजर द थिकनेस ऑफ थिननेस, थिकनेस और द थिननेस, और यू कैन से थिकनेस और थिननेस ऑफ द एयर, कितना मोटा है, कितना पतला है, ये हम मेजर करते हैं. नाउ कैसे, हाउ इज मेजर्ड, इट इज नॉट मेजर्ड इन लेंथ, इट इज नॉट मेजर्ड इन वेट. सपोज करो 1000 मीटर यार है, अगर इट इज 1000 मीटर, ओके 1000 मीटर अगर वो मोटा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, पतला है तो क्या कॉम्बिनेशन है, लेंथ एंड वेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड वेट. कैसे आ सकता है, लेंथ हमने कहा कांस्टेंट है, ठीक है, वेट इफ इट इंक्रीजेस देन फोर्स, मतलब दिस विल कम आउट टू बी अ नंबर, एक नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, दिस नंबर हैज कम, इफ द नंबर इंक्रीजेस लेंथ इज कांस्टेंट फिक्स्ड, एंड इफ द नंबर इंक्रीजेस व्हाट इट मींस, इट मींस दैट इफ नंबर इज इंक्रीजिंग, इफ लेंथ इज फिक्स्ड एंड वेट इज इंक्रीजिंग, इट मींस नंबर इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन नंबर इज इंक्रीजिंग थिकनेस इज इंक्रीजिंग, क्या हुआ डायरेक्ट, इतना नंबर, द नंबर इंक्रीजेस थिकनेस आल्सो इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंक्रीज इन नंबर, व्हाट इज इंक्रीजिंग, थिकनेस इज इंक्रीजिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट सिस्टम. लेंथ इज फिक्स, यू कैन टेक 1000 मीटर, यू कैन टेक 10000 मीटर, इट इज फिक्स, वो बाद की बात है, क्या क्लियर है, दिस बिकम्स अ डायरेक्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट हाउ वेट, वेट इंक्रीजेस और वेट विद वेट नंबर इंक्रीजेस, थिकनेस इंक्रीजेस, बोथ आर इंक्रीजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर. Another method is opposite to it. Another method is opposite to it. Opposite to it is we fix the weight. हम कहते हैं हमने लिया suppose के 10 ग्राम या 100 ग्राम, 100 ग्राम of yarn लिया. It is fixed. Then we will measure the length. In case if it is 1 kilometer. And another 100 gram, it is 2 kilometer. तो पतला कौन सा होगा? Weight is 270 gram. Weight कितना fix कर लिया? 100 gram. 100 gram. हो गया fix. Clear? ठीक है. Length. चलिए देखो. थोड़ा ये confusion है. लेंथ क्या है, 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, कौन सा ज्यादा पतला हुआ, कौन सा मोटा हुआ, 2 किलोमीटर वाला पतला वाला भारी हुआ, भारी हुआ, ठीक हो, ठीक इज फोर्स, और 2 वाला 5, इमर 5, तो सेम वेट पर 1 नीचे आ गया, नंबर अगर ऊपर बना है तो बना है, बना कौन 1, क्या नंबर है 1, 2 upon 1 में 2, number increases, thickness decreases, उल्टा हो रहा, number is increasing, thickness is decreasing, ठीक है, 1 upon 1 और 2 upon 1, clear, ये क्या हुआ, fine हो गया, ये force, it means
number is increasing and thickness is decreasing. उल्टा हो गया. This is called as indirect system, opposite system. कंपनी में जो भी चल. Clear हो गई ये बात. So there are, we measure not in length, we not, do not measure in weight. We purchase in weight, but we measure in thickness or thinness of yarn. Thickness is called coarseness or fineness of the yarn. पतला और मोटे के करते हैं. If it is that the number is increasing and thickness is increasing, then it is called as direct system. If the with number increase, thickness is decreasing, it is called as indirect system. So there are two types of systems in the world. Clear? Means we will be analyzing the fabric. Fabric in particular we will be analyzing. Why we will be analyzing fabric particulars? क्यों कर रहे हैं? We are getting a sample. हमें ये दे दिया, ये कपड़ा है जी आपका और ये बना के कपड़ा फैब्रिक यू आर गिवन. सपोज कर स्वॉच दे दिया, मीन सैंपल दे दिया. दिस वी वॉन्ट, तो यू विल हैव टू एनालाइज. क्या क्या एनालाइज करोगे? कौन सा मटेरियल है, कौन सा यार्न है, कितना काउंट है, क्या इसका डिज़ाइन है, कितना एंड पर इंच है, कितना पिक्स पर इंच है. देन विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लेटर से 1 लाख मीटर. ठीक है, बट यू विल सी काउंट मटेरियल टेस्टिंग करोगे इसकी. देन कलर, देन एक गिवन ट्विस्ट देखोगे इसमें कितनी है. ठीक है, देन एंड पर इंच, पिक्स पर इंच, then how much for 1 lakh meter bar and weft is required. हो गया, वो परचेज करोगे ना आफ्टर दैट, यू विल बी परचेजिंग इट. खरीद के लाओगे मटेरियल, देन यू विल रन ऑन द लूम. क्लियर? 1 lakh meter इज रिक्वायर्ड, सो वी विल हैव टू एनालाइज द फैब्रिक. व्हाट आर द पर्टिकुलर्स और पैरामीटर्स ऑफ द फैब्रिक? Bark and weft means we will be noting weight of bark required and weight of weft required. Clear? ये भी चाहिए. Then you will be running end per inch, pitch per inch, then design, draft, pack plan, हर चाहिए बात. What type of yarn is there that is required? ये तो material आ गया. How much of the material is required then? How it is to be done on the loom. So this is first step. Round, material, color, twist, type of yarn. Pata lag jayenge. This is first thing. Then you will purchase the bar and thread. Isme trim bhi note karoge. 1 lakh meter hai length, ek bar ki butt action. इट मे बी 1 lakh 5000 meter, 5000 meter का आपको कम लगा दिया. ऊपर नीचे चल रहा है, ज़्यादा लेंथ हो जाएगी ऐसी वैक्ट है ऐसी बात. तो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड. देन यू विल ब्रिंग इट ऑन रूम एंड द डिजाइन एंड पर इंच फिक्स पर इंच यू विल फिक्स एंड देन यू विल रन एंड प्रिपेयर द फैब्रिक. सो वी विल बी कैलकुलेटिंग फर्स्ट अकाउंट. And from the count we will be getting trim, count and trim. Then trim, they are separate. Then twist, etc. Then from this we will be calculating weight of bar requirement, weight of weft required. Third thing we will be requiring ends per inch of fixed price. This is A, this is B, and this is for calculation of weight of bar and weft. In case of weight of bar, you will have to find out bar count, bar trim, and per inch. In case of weft count weight, you will have to find weft count, weft trim, and pitch per inch.
there are two type of system for measurement. सेंचुरी 100 नंबर हो गया ठीक है. तो दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. दीज आर एमकेएस. दिस इज अनदर मेथड ऑफ मेजरमेंट. कितना होता है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम. 1 ग्राम में मिलीग्राम कितना. 10 पागल है क्यों. 100 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम. यार 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम. 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम. सर भूल गए फिजिक्स तो एक ही सेमेस्टर की. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम. 1000. डबल हो जाएगा. 453.54 ग्राम में आ गया. अराउंड अबाउट हाफ के जी हो गया. 2.1 kg करीब. 2 हो गया ना. 2 से थोड़ा कम. 450 है प्लस 50 हो गया 10%. 4.5 प्लस 4 1 meter. 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है. 0.9 मीटर इक्वल टू 1 यार्ड. यू कैन से 1 मीटर इक्वल टू 1.1 यार्ड. इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 39.36 इंचेस. 1 है 1.1 से यू मल्टीप्लाई विल बी कमिंग 39.36.
36 और 36 ऐड करो। याद होने चाहिए सारे। लेंथ में यू कैन मेजर, वेट यू कैन मेजर, ठीक है, नंबर यू कैन मेजर। नाउ व्हाट इज काउंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या? वी मेजर द थिकनेस और थिननेस, थिकनेस और द थिननेस, और यू कैन से थिकनेस और थिननेस ऑफ द एयर, कितना मोटा है, कितना पतला है, ये हम मेजर करते हैं। नाउ कैसे, हाउ इज मेजर्ड, इट इज नॉट मेजर्ड इन लेंथ, इट इज नॉट मेजर्ड इन वेट। सपोज करो 1000 मीटर यार्ड है, अगर इट इज 1000 मीटर, ओके 1000 मीटर अगर वो मोटा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, पतला है तो क्या कॉम्बिनेशन है, लेंथ एंड वेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड वेट। कैसे आ सकता है, लेंथ हमने कहा कांस्टेंट है, ठीक है, वेट इफ इट इंक्रीजेस देन फोर्स, मतलब दिस विल कम आउट टू बी अ नंबर, एक नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, दिस नंबर हैज कम। इफ द नंबर इंक्रीजेस, लेंथ इज कांस्टेंट फिक्स्ड, एंड इफ द नंबर इंक्रीजेस व्हाट इट मींस, इट मींस दैट इफ नंबर इज इंक्रीजिंग, इफ लेंथ इज फिक्स्ड एंड वेट इज इंक्रीजिंग, इट मींस नंबर इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन नंबर इज इंक्रीजिंग थिकनेस इज इंक्रीजिंग। क्या हुआ डायरेक्ट, इतना नंबर, द नंबर इंक्रीजेस, थिकनेस आल्सो इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंक्रीज इन नंबर, व्हाट इज इंक्रीजिंग, थिकनेस इज इंक्रीजिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट सिस्टम। लेंथ इज फिक्स, यू कैन टेक 1000 मीटर, यू कैन टेक 10000 मीटर, इट इज फिक्स, वो बाद की बात है, क्या क्लियर है, सो दिस बिकम्स अ डायरेक्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट हाउ, वेट वेट इंक्रीजेस और वेट विद वेट नंबर इंक्रीजेस, थिकनेस इंक्रीजेस, बोथ आर इंक्रीजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर। Another method is opposite to it. Another method is opposite to it. Opposite to it is we fix the weight. हम कहते हैं हमने लिया suppose के 10 ग्राम या 100 ग्राम, 100 ग्राम of yarn लिया, it is fixed, then we will measure the length. In case if it is 1 kilometer एंड अनदर 100 ग्राम इट इज 2 किलोमीटर, तो पतला कौन सा होगा, वेट इज 270 ग्राम, वेट कितना फिक्स कर लिया, 100 से 100 ग्राम हो गया फिक्स, क्लियर, ठीक है। लेंथ चलिए देखो थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया, लेंथ क्या है, 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, कौन सा आधा पतला हुआ, कौन सा मोटा हुआ, 2 किलोमीटर वाला पतला हुआ, भारी हुआ, ठीक हो, ठीक इज फोर्स, और 2 वाला 5 और 5, तो सेम वेट पर 1 नीचे आ गया, नंबर अगर ऊपर बना है तो बना है, बना कौन 1, क्या नंबर है 1, 2 upon 1 में 2, number increases, thickness decreases, उल्टा हो रहा है, number is
इंक्रीजिंग थिकनेस इज ठीक है 1/1 और 2/1 क्लियर। ये क्या हुआ फाइन हो गया ये फोर्स, इट मींस नंबर इज इंक्रीजिंग एंड थिकनेस इज डिक्रीजिंग, उल्टा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सिस्टम, अपोजिट सिस्टम। कंपनी में जो ये चल क्लियर हो गई बात। सो देयर आर वी मेजर नॉट इन लेंथ, वी डू नॉट मेजर इन वेट, वी परचेज इन वेट बट वी मेजर इन थिकनेस और थिननेस ऑफ यार्न। थिकनेस इज कॉल्ड कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ द यार्न, पतला और मोटे पे करते हैं। इफ इट इज दैट द नंबर इज इंक्रीजिंग एंड थिकनेस इज इंक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सिस्टम, इफ द विद नंबर इंक्रीज थिकनेस इज डिक्रीजिंग इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सिस्टम। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम इन द वर्ल्ड।